आज इस तरह करें माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न। जल्द होगा विवाह। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों में माँ की अर्चना करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है। वहीं इन दिनों में साधकों को माँ की कठिन भक्ति भी करनी पड़ती है, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, वो माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी इस समस्या के लिए माँ की आराधना करना शुरू कर दिया। उन्होंने माँ की कठोर तपस्या की और अंत में माँ अपने इस भक्त पर प्रसन्न हुई और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय की बात ही कात्यायन के घर माँ दुर्गा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसके बाद से ही उन्हें देवी कात्यायनी कहा जाने लगा। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। गोधूली वेला में लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कर माँ कात्यायनी की पूजा करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और पीले रंग का नैवेद्य अर्पित करें। देवी को 3 गांठ वाली हल्दी जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद इस हल्दी की गांठ को एक साफ कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद बेहद प्रिय होता है। गुप्त नवरात्रि के आज के दिन उन्हें शहद का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। अंत में माँ कात्यायनी के मंत्रों का अवश्य जाप करें। कात्यायनी माँ का मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिपे कुरुते नमः। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। विवाह बाधा में माँ की अर्चना चमत्कारिक फायदे देती है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें माँ कात्यायनी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। इस पर उन्हें निश्चित दिनों तक निश्चित संख्या में माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भी माँ कात्यायनी की आराधना करना अति फलदायी साबित होता है। अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग क्षीण है, तो भी माँ की अर्चना करने से आपकी शादी के योग जल्द बनने लगेंगे। अगर आपका मन सदैव विचलित रहता है, तो माँ कात्यायनी की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी है। माँ की अर्चना करने से आपको अपना मन नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है। भक्ति भाव से माँ की अर्चना करने पर माँ सुंदर रूप का भी आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि पूरे विधि विधान और सच्ची भक्ति से माँ की आराधना से माँ अपने भक्तों के सभी पाप माफ कर देती हैं।